तो दोस्तों अरुणिता कांजीलाल बना रही है मॉनसून की वादियां, मॉनसून का डे अपने फैमिली के साथ। मैं आपको बता दूं, पवनदीप राजन के बाद अब अरुणिता कांजीलाल का हुआ है ग्रैंड वेलकम उनके होम टाउन बैंगाओ वेस्ट बंगाल के में। चलिए जानते हैं कैसा करा गया उनका वेलकम। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सिनेस्पिक्स और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही उन्होंने एंटर करा अपने शहर अपने गांव में बंगाओ में वेस्ट बंगाल के, तभी उनके ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया गया। मैं बता दूं वहां पे कई सारे क्रैकर्स भी फोड़े गए, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करा गया। सारे गांव के उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स सब उनका स्वागत के लिए वेट कर रहे थे आरती की थाली के साथ और उनको फूलों की माला भी पहनाई। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे वो पहुंची उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने पहली बार इतना प्यार देखा था और ऐसा देखा था कि वो भी शौक हुई। मैं आपको बता दूं, वो कहती है कि मैं इस इंडियन आइडल मंच का काफी शुक्रगुजार हूं कि उनकी वजह से मुझे आज ये स्टैंड मिला है कि आप सब लोग मुझे जानने लगे और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो ये भी बोलती है कि काफी टाइम बाद मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स और नेबर से इतने दिनों के लिए दूर रही हूं और आज इनके साथ यहाँ बिता के यहाँ रह के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत ओवरवेल फील कर रही हूँ। मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये बात हमें पता चली कि वो भजिया पकौड़े कह सकते हैं बहुत अच्छे बनाती है और बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का तो आप भी जानते हैं एक अलग ही स्वाद होता है। तो दोस्तों अनु मलिक की रिक्वेस्ट में वो बनाती है भजिया सारी सेट के लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल के सेट के लोगों के लिए बनाती हैं भजिया और जैसे ही ये लोग खाते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी बनाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगले नेक्स्ट वीकेंड में मतलब इस वीकेंड में दिखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ भी इस शो में आने वाली है, जिससे इस शो में होने वाले हैं चार चांद। दोस्तों आपको कैसा लगा अरुणिता कांजीलाल का वेलकम के बारे में जानने में, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।